और आज किस तरीके का ये वितरण किया गया है? देखिए, आज ये ट्रस्ट की तरफ से उस दिन जब मैं अभयपुर आ गया था सरकारी राशन वगैरह विक्रेता करने से, तो जो वहाँ के PSC प्रभारी थे तो पता चला कि इन पे PPE किट नहीं है, तो PPE किट खरीदवा के सभी सभी CHC पे पहुँचा दिए, दो दो थानों पर और दो दो सर्कल ऑफिसर में PPE किट, सैनिटाइज़र और मास्क वगैरह सभी और फेस शील्ड भी साथ में चिकित्सकों के दिए गए। अगर कोई ऐसा पेशेंट मिलता तो जब या पुलिस जाती है, प्रशासनिक अधिकारी जाते हैं या चिकित्सक वगैरह जाते हैं, पैरामेडिकल जाते हैं, तो PPE किट उनके पास उपलब्ध होगी, ये खुद संक्रमित नहीं होंगे और कायदे से उनको अस्पताल पहुँचा पाएंगे। श्री DS भदौरिया जी और राजवीर सिंह साहब और भैया डॉक्टर साहब, आप तीनों लोग आप लगा लो। कर्मचारी भी, अधिकारी भी जाते हैं, तो उनके लिए भी PPE किट की व्यवस्था की गई है। सब थाना पे PPE किट साथ आप दो PPE किट और मास्क वगैरह, ये सभी के आप लोग सुरक्षित रहें और जो क्षेत्र के जो लोग हैं और आप लोग का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि बाहर से कोई लोग आए तो आप तुरंत सूचना पुलिस को, थाने को, बैंक को दें, क्योंकि सतर्कता बरतना सबसे आवश्यक है। और जो मोदी जी ने हाथ जोड़ के अपने संबोधन में कहा था कि अपने आप शारीरिक दूरी 3 फीट से ज़्यादा, 1 मीटर से ज़्यादा शारीरिक दूरी रखें, ना तो ये वैसा वायरस है जिससे कि आप आसानी से इसको ना तो ख़त्म किया जा सकता है ना इलाज किया जा सकता है, बस अपने आप को जकड़ ना पाए इसके लिए आपको शारीरिक दूरी, हाथ को आपको बार बार धोना, ये जरूर पालन करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये दो दो दिन तक प्लास्टिक पे सीट पे इसके कीटाणु रहते हैं कि अगर किसी ने जो संक्रमण व्यक्ति है उसने छू दिया और आपने एक दिन बाद उसको फिर छू दिया तो आप भी संक्रमित हो सकते हैं, इसलिए हाथ धोना अति आवश्यक है। कहीं भी जाए, इधर उधर जाए तो अपना हाथ जरूर धोए, मास्क लगाए और सावधानी स्वयं बरतें, जो बचाव ही इसका इलाज है। और लापरवाही के कारण आगरा में कहाँ तक से कहाँ तक पहुँच गया, अगर यहाँ आगरा वासी इस चीज़ को पालन करते होते कि शारीरिक दूरी बनाए रखें,
हाथ को हम धोएं, सामान्य चीजें हैं, मास्क लगाए रखें या मुंह पर हाथ लगाए तो इससे गोली किस पैमाने पर फैलता है। और ये पैमाने पर फैल रहा है, मैं आपसे सभी से अनुरोध है कि इसको सावधानी बरतें और अपने क्षेत्र सुरक्षित अपने आप को अपने बाकी। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।